एक ऐसे दौर में जब पढ़ाई लिखाई के लिए हम देख रहे हैं कि वीडियो कॉल के जरिए, जूम के जरिए, दूसरे तमाम ऐप के जरिए पढ़ाइयां अलग अलग हिस्सों में करवाई जा रही हैं, आप क्या इसके जरिए आप भी अलग अलग हिस्सों में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहां पर किस तरह की चुनौती आपके सामने पेश आ रही है, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए हमें? नहीं चित्रा जी, आपने बड़ा सही सवाल किया। ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेटअप हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे 20 लाख से अधिक आईटीआई के विद्यार्थी हैं, हमने उनको ऑनलाइन कोर्सेज के भी, हमारे पास निमी है, भारत स्किल ऐप है, भारत स्किल पोर्टल है, इसके माध्यम से, और अभी 8 लाख से अधिक युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को हमने ऑनलाइन कोर्सेज से उनको पढ़ाई दी है। और इसके साथ साथ हम स्किल की ट्रेनिंग का भी eSkillIndia.org पर, हम स्किल इंडिया के का भी एक पोर्टल जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का शुरू कर दिए हैं, उस पर काम चल रहा है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौशल विकास मंत्री हैं आप, 1973 से लगातार भारत की राजनीति में सक्रिय, 40 साल से ज्यादा का उनका अनुभव राजनीति का। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का सूबा है, वहां पर बीजेपी के वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आज तक के ई एजेंडा के इस मंच पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, चूंकि कोरोना का ये एक ऐसा संक्रमण काल चल रहा है जहां पर चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, लेकिन कहा जाता है जहां पर चैलेंजेस होते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी अवसर भी उतने ही पैदा होते हैं, और आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है युवाओं को स्किल करके, आप उनके कौशल, उनके हुनर को और ज्यादा निखार के भारत में महत्वपूर्ण योगदान वो दे सके इसके लिए तैयार करने की। फिलहाल ये बताइए, आपके मंत्रालय ने बीते इन 40-45 दिनों में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हिंदुस्तान के लिए कौन कौन से अहम काम किए हैं जिसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है? चित्रा जी, आपके चैनल पर स्वागत के लिए धन्यवाद। जब से ये कठिनाई उत्पन्न हुई है, हमारे मंत्रालय के पूरे सेटअप ने, जिसमें हमारे पास मुख्य रूप से तीन प्रकार के सेटअप है ट्रेनिंग पर एस्पेक्ट में, हमारी 33 एनएसटीआई हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के हमारे 15,000 आईटीआईज हैं, और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र हैं, पीएमकेकेज हैं। आपकी जानकारी के लिए चित्रा जी, हमारे सारे एनएसटीआई आईटीआईज को हम लोगों ने राज्य सरकारों को सुपुर्द कर दिया कि आप उन्हें क्वारंटीन सेंटर के रूप में, आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग करें, और तकरीबन इसमें 40% स्थानों का उपयोग भी वहां विभिन्न राज्य सरकारें, वहां के जिला प्रशासन कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने पूरे अपने इंटायर स्किल डिपार्टमेंट के इकोसिस्टम को इस चैलेंज को समझते हुए देना, सर 2022 तक इस दिशा में, और आज का लक्ष्य रहा कोविड-19 के बाद 40 करोड़ युवाओं को ट्रेन करके उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने का, यह आपका लक्ष्य रहा है। लेकिन 2020 में पूरी दुनिया जब संघर्ष कर रही है कोविड-19 से, हिंदुस्तान में भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे में कितना प्रभाव पड़ा है इस दिशा में? और उसके पहले मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, चूंकि कोविड-19 के कारण बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी तैयार हो रही है, इस तरह का डर सता रहा है, इससे निपटने के लिए किस तरह के एहतियाती इंतजाम आप लोगों की ओर से किए जा रहे हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में जैसे ही इस दिशा में हमें थोड़ी शांति मिले उसके बाद युवाओं को रोजगार मिल पाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारा विभाग ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार के लेवल तक का, रोजगार के लायक लोगों को तैयार कर रहा था। हमने प्रतिवर्ष एक करोड़ युवा उससे, हमारे विभाग से ट्रेनिंग पा करके, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग पा के, आरपीएल, इन सब माध्यमों से प्रतिवर्ष 1 करोड़ युवा निकल रहे हैं। हमारे विभाग के साथ साथ 17-18 और विभाग हैं भारत सरकार से संबद्ध, जैसे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, ऐसे तमाम मंत्रालय भी अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये माननीय मोदी जी का जो विजन रहा है उस पर ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अब जो ये बेरोजगारी की जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, यह अचानक जो विश्व स्तरीय महामारी आई है, उस कठिनाइयों में भी जिस तरह माननीय मोदी जी ने अनेक बड़े कदम उठाए जिसका लाभ आज देश को मिल रहा है, उदाहरण के रूप में जनधन खाता खुलवाया, उस समय लोगों को लगता था खप का खाता खुलने का क्या है, लेकिन आज आप देखे होंगे कि उस खाते खुलने का परिणाम यह रहा है कि प्रत्येक के खाते में, गरीबों के खाते में पैसे गए हैं और वो भूखों नहीं मरा है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को उसका उपयोग करते हुए पूरा किया है। तो आज इस परिस्थिति में
जो अग्रगामी कदम उठा के भारत की जनता की रक्षा हुई है, विश्व स्तर की तुलना में हमारे यहाँ प्रभाव कम पड़ा है, लोगों की जीवन की रक्षा हुई है, उसी तरह जो विश्व स्तरीय एक पूरा स्वरूप बदल रहा है उसमें भारत की बढ़ती हुई आबादी उन अवसरों को कैच करेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। मोदी जी की अगुवाई में हम सबको पूरा भरोसा है, उसी को ध्यान में रख करके जो आगे आने वाला युग है, बेहतर हेल्थ सर्विसेज, बेहतर एग्रीकल्चर बेस्ड कारोबार अब और साथ साथ डिजिटलाइजेशन का बेहतर सदुपयोग, इनमें हम रोजगार के युवाओं को नए अवसर देंगे, जो रोजगार कर रहे थे उनके रोजगार को भी छीनने से बचाएंगे और जो रोजगार की प्रत्याशा में है उन्हें भी रोजगार देंगे, ये आपको हम भरोसा दे रहे हैं। और साथ में हमारे विभाग का एक दूसरा पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता सिखाना। मैं चित्रा जी आपको बताना चाहूंगा मॉडर्न शेप में कैसे गांव में रोजगार, गांव में कारोबार और गांव के अंदर व्यवसाय सिस्टम कैसे बने, इसका भी एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कराएंगे और लाखों लाख युवाओं को, करोड़ों को उसमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इन सब दिशाओं में एक साथ काम, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, माननीय मोदी जी की अगुवाई में कर रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मौजूदा दौर में जब एक अलग है और अच्छा करके दिखाएंगे चित्रा जी, ठीक है सर, इसी तरह का भरोसा पूरे देश का भी आप लोगों के ऊपर है कि कम से कम जिस तरह का मैंडेट आप लोगों को 2019 में मिला आप उसको आप लोग करके भी दिखाएंगे, उसी भरोसे को आगे लेकर जाएंगे। अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर, अब चूंकि आपके सामने चुनौती है एक तरफ आप लोगों को ट्रेन किया जाए और दूसरी तरफ ट्रेन युवाओं को आप दूसरे अलग मंत्रालयों में लगा रहे हैं, जब एक ऐसे दौर में जब पढ़ाई लिखाई के लिए हम देख रहे हैं कि वीडियो कॉल के जरिए, जूम के जरिए, दूसरे तमाम ऐप के जरिए पढ़ाइयां अलग अलग हिस्सों में करवाई जा रही हैं, आप क्या इसके जरिए आप भी अलग अलग हिस्सों में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहां पर किस तरह की चुनौती आपके सामने पेश आ रही है, अगर इसके बारे में कुछ बता पाए हमें? नहीं चित्रा जी, आपने बड़ा सही सवाल किया। ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेटअप हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे 20 लाख से अधिक आईटीआई के विद्यार्थी हैं, हमने उनको ऑनलाइन कोर्सेज के भी, हमारे पास निमी है, भारत स्किल ऐप है, भारत स्किल पोर्टल है, इसके माध्यम से और अभी 8 लाख से अधिक युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को हमने ऑनलाइन कोर्सेज से उनको पढ़ाई दी है और इसके साथ साथ हम स्किल की ट्रेनिंग का भी eSkillIndia.org पर हम स्किल इंडिया के का भी एक पोर्टल जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग का शुरू कर दिए हैं, उस पर काम चल रहा है और लोग उस पर भी ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं, आप इसको चाहे जानकारी कर सकती हैं। तो ये सारी चीजों पर हम इसमें अनेक जो शैक्षणिक और ये हमारे ट्रेनिंग के उन पाठ्यक्रमों को छोड़ के, उन ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स को छोड़ करके, उन जॉब रोल्स की ट्रेनिंग जिसमें प्रत्यक्ष ट्रेनिंग की जरूरत, हाथ से हाथ की ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, उतना आइटम छोड़ के से सारे एकेडमिक ट्रेनिंग हम ऑनलाइन देने का काम शुरू कर दिए हैं। फ्री में है, किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है वाले दिनों में, और साथ में हमने, हाँ फ्री है, कोई पेमेंट नहीं करना है और इसके बाद हमने अपनी परीक्षाओं को भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया अगस्त तक का, हमने पीएमकेवाई के असेसमेंट और उनके जो ट्रेनिंग के बच्चे हमारे बचे रह गए थे उनको अगस्त तक उनकी कोर्सेज पूरे हो जाए इसका हमने आदेश कर दिया है और उनका असेसमेंट भी सितंबर में होगा इसके भी आदेश कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसी परिस्थितियां होंगी उन अनुसार निर्णय लेते जाएंगे, किसी को भी उसके समय जो उत्पन्न हो गया थोड़ी कठिनाई है सब उतने का जो नुकसान हुआ है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, कौशल विकास मंत्री देश के आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। एक बात चित्रा जी, जल्दी से सर, जल्दी से चित्रा जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। चित्रा जी बोलिए सर, जल्दी से। हाँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा मंत्रालय आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बात को, आज के अवसर को महसूस कर रहा है कि अब सबसे अधिक कुशल कार्यबल की पहले से ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, तो मेरे डिपार्टमेंट की टास्क फोर्स और मेरी, और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उन जिम्मेदारियों का बखूबी आप आइडिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपेक्षित है, बहुत शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए, ई एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबले युवाओं के सबसे ज्यादा फोर्स हिंदुस्तान में है और उसको, उसके स्किल को ट्रेन करके उसको आगे ले जाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यही सरकार की जिम्मेदारी है और उम्मीद रहेगी कि आगे भी इस दिशा में सरकार अपना काम करती रहेगी।